हेलो दोस्तों, मैं तरुण आपका अपने चैनल अननेविगेटेड 07 पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे अपने मेट्रोर का चैन ल्यूब और क्लीन करेंगे। इसके लिए मेरे पास है एक चीज, मेट्रोर का C1 और C2 चैन क्लीन के लिए, चैन क्लीनर और ल्यूब। साथ में ये ब्रश मंगाया मैंने। ये दोनों ही प्रोडक्ट मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, आप चाहे तो परचेस कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्लीन करना है। यूज करने से पहले इसे सेट करना है, अच्छे से सेट कर लीजिए। और उसके बाद आपको इस चैन के सारे साइड स्प्रे करना है। फ्रेंड्स, स्प्रे करते समय बेटर होगा कि आप इंजन स्टार्ट कर लें। इंजन स्टार्ट होने से आप स्मूथली स्प्रे कर पाएंगे और क्लीन भी अच्छा से हो पाएगा, इक्वली स्प्रे होगा। बट स्प्रे करते समय इस बात का ध्यान रखें कि चैन से प्रॉपर दूरी बना कर रखें, अदरवाइज हादसा हो सकता है आपके साथ। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैं इजीली स्प्रे कर पा रहा हूँ, चैन के ऊपर और साइड से अच्छे से स्प्रे हो पा रहा है। इंजन स्टार्ट करने का ये फ़ायदा आपको मिलेगा, चैन चैन व्हील के साथ रोटेट होती है और स्प्रे प्रॉपरली किया जा सकता है। अच्छे से स्प्रे करने के बाद दोस्तों आपको कोई ब्रश से उसको क्लीन करना है। ये आप लोग देख रहे हो ना, इसका तीन साइड से ब्रश दिया हुआ, इसको रगड़ के अच्छे से साफ करना है। अच्छे से रगड़ने के बाद इसे हल्का स्प्रे करके 5 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद एक पक्के से कपड़े से पूछने का थोड़ा गाड़ी स्टार्ट करेंगे।
ये चैन को लूप करने के लिए अपन मॉड्यूल का C2 यूज़ किए हैं। लूप करने के बाद इसको तुरंत गाड़ी को चलाना नहीं है, थोड़ा देर रन देना है, फिर उसके बाद इसको राइट पे ले। हाँ तो फ्रेंड्स, गाड़ी का चैन का लूप और क्लीन आपको हर 500 से 600 किलोमीटर की राइड के बाद आपको करना होता है। क्लीन आप 1000 किलोमीटर के बाद भी कर सकते हैं, बट ल्यूब आपको हर 500 से 600 किलोमीटर के बीच में करना होगा, ताकि चैन आपका अच्छा से रहे, हेल्दी रहे और स्मूथ चलता रहे, अदरवाइज़ चैन सॉकेट बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे क्लीन किया मैंने अपने चैन को और उसके बाद ल्यूब किया। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें, हम आप जल्दी मिलेंगे अपने न्यू राइड पर। थैंक यू।